हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो भाई? आप सभी लोग होपफुली ठीक ठाक से होंगे। मेरा नाम उस्मान है और यार आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसे फ़ोन का रिव्यू करने वाला हूँ जिसका जो नाम है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। उसका नाम है भाई मोटो E5 प्ले और ये 2018 में लॉन्च हुआ था ये फ़ोन। ऑल दो काफ़ी पुराना फ़ोन है लेकिन हमारी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को पता है यूजुअली जो पाकिस्तान में लोग हैं वो इतने महंगे महंगे फ़ोन परचेज नहीं कर पाते। और जैसे कि आपको पता है कोविड की सिचुएशन चल रही है तो काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं परेशान हैं अपने बच्चों के लिए, क्योंकि आजकल जितनी भी पढ़ाई वगैरह है वो ऑनलाइन हो रही है। तो यह है कि काफ़ी ज़्यादा लोग जो है इस टाइम पर अपना लैपटॉप वगैरह नहीं परचेज़ कर सकते तो वो टैबलेट वगैरह की तरफ चले जाते हैं। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये है कि भाई अगर आपकी जो रेंज है वो 5,000 की है ना तो आपको इस फ़ोन की तरफ चले जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अब हम इस फ़ोन की बात कर लेते हैं तो ये है मोटोरोला का E5 प्ले। ठीक है, काफ़ी मतलब नॉर्मल और एक बजट फ़ोन है, समझ रहे हो। तो ये उन लोगों के लिए जो कि यार ऑनलाइन क्लासेस के लिए स्पेशली फ़ोन वगैरह या टैबलेट वगैरह लेना चाह रहे थे तो ये कम रेंज में एक बेहतरीन फ़ोन है मोटोरोला की तरफ से। क्योंकि इस प्राइस में आपको जापानीज फ़ोन मिल जाते हैं लेकिन उनमें इशू ये आता है कि उनके पार्ट्स वगैरह नहीं मिलते। तो ये एक अच्छा और बेहतर वैल्यू फॉर मनी फ़ोन है क्योंकि मोटोरोला की तरफ से आ रहा है। और इसके अंदर यह है कि आपको मार्केट में पार्ट्स वगैरह का भी इशू नहीं आएगा। 2 GB रैम है, 16 GB स्टोरेज है, 2800 mAh की बैटरी है। प्रोसेसर जो है वो भी काफ़ी डिसेंट है, स्नैपड्रैगन 425 का प्रोसेसर है। अगर आप इसमें गेमिंग वगैरह करते हो तो नॉर्मल जो गेमिंग है आपकी वो ईजिली हो जाएगी। पबजी लाइट भी चल जाती है लेकिन ना खेलना तो बेहतर है, रिकमेंडेशन यही है। अगर सब्बे सफ़र वगैरह खेलते हो तो वो चल जाएगी। नॉर्मल यूजिंग के लिए फ़ोन आपको काफ़ी मतलब सही मिल जाएगा इस प्राइस के हिसाब से। अगर हम देखते हैं 2 GB रैम है तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन प्राइस के हिसाब से काफ़ी सही है। और जो इस फ़ोन के कैमराज है वो भी काफ़ी नॉर्मली होने वाले हैं। 8 MP का बैक कैमरा और 5 MP का फ्रंट कैमरा है। कुछ शॉट्स मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे। तो अगर आप ये फ़ोन परचेज़ करते हो तो आपको कैमरा भी इसकी डिसेंट मिल जाएगी अगर आप किसी टैबलेट से स्पेशली कंपेयर करते हो, क्योंकि टैबलेट में जो कैमराज वगैरह होते हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। और 4.5-5 हज़ार की रेंज में तो 2 MP के कैमराज मिलते हैं टैबलेट के अंदर, तो उसमें आप क्या ही ऑनलाइन क्लासेस के मज़े ले सकते हो, समझ रहे हो। तो ये सीन है, इसके अंदर 5 MP का कैमरा है जिसकी भी जो क्वालिटी है वो काफ़ी डिसेंट है। अगर आप ये मतलब सिम वाला भी लेते हो तो इस तरीके का रिव्यू है इस फ़ोन का टोटली कि अगर आप सिम वाला भी परचेज़ करते हो तो कोई इशू नहीं है, बस इसमें सिम नहीं चलती, समझ रहे हो। इसकी बैटरी की अगर हम बात कर लेते तो वो भी रिमूवेबल बैटरी है तो आप इसको इजीली चेंज भी कर सकते हो। 2800 mAh की बैटरी है, बैटरी बैकअप डिसेंट है, एक दिन आपका निकाल देगा इजीली, क्योंकि आपको पता है आप इसको हैवी यूज़ नहीं करने वाले। सिम नहीं चलती, घर में आप इसमें यूट्यूब वगैरह देखोगे या बच्चों को कार्टून वगैरह के लिए फ़ोन दे सकते हो, तो यही सीन है। इसके अलावा कैमराज भी काफ़ी डिसेंट है, बैटरी परफॉर्मेंस भी काफ़ी डिसेंट है। अगर दोस्तों इसकी यूजली जो डिस्प्ले है उसकी भी मुझे मतलब स्मूथनेस वगैरह है और जो क्वालिटी है वो भी अच्छी लगी है। ऐसा नहीं कि डिस्प्ले बेकार है, 720p वाली डिस्प्ले है, इस प्राइस के हिसाब से तो वन ऑफ दी बेस्ट डिस्प्ले, मैं इसको बिल्कुल भी बुरी डिस्प्ले नहीं कह सकता। और जो बिल्ड वगैरह है वो तो आपको ऑब्वियसली बात है प्लास्टिक की देखने को मिल जाती है, आप लोगों के सामने ही है, लेकिन एक काफ़ी अच्छी बिल्ड देखने को मिल जाती है इस प्राइस के हिसाब से अगर हम देखते हैं। इसके अलावा अगर हम एंड्रॉयड वर्जन की इसकी बात कर लेते हैं तो वो है भाई अपना एंड्रॉयड 8 आपको ओरियो देखने को मिल जाता है। तो ये पुराना है मतलब एंड्रॉयड वर्जन है, लेकिन अगर आप टैबलेट भी लेते हो इस प्राइस में तो उनके अंदर तो आपको एंड्रॉयड 6.0 मार्शमेलो मिलेगा या तो एंड्रॉयड नोगेट मिलेगा। तो इसके अंदर ऑल दो एंड्रॉयड 8 तक ही अपडेटेड है, यानी ओरियो इसके अंदर आपको एंड्रॉयड देखने को मिल जाता है। दोस्तों अगर आप इस प्राइस में टैबलेट लेते हो तो थोड़ा सा आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आपको 1 GB रैम मिलेगी या 8 GB स्टोरेज मिलेगी, यूजुअली इस प्राइस के अंदर यही होता है पाकिस्तान में जो टैबलेट्स मिल रहे हैं इस प्राइस के अंदर। और डिस्प्ले तो बड़ी मिल जाएगी लेकिन परफॉर्मेंस वाइज वो जो टैबलेट होगी वो बहुत घटिया होगी, कुछ टाइम बाद वो ख़राब हो जाएगी। दूसरा मसला आपको टैबलेट में ये आएगा कि अगर इन केस उसकी डिस्प्ले टूट जाती है, ऑल्दो डिस्प्ले तो आपको बड़ी मिल जाएगी टैबलेट है क्योंकि वो, लेकिन अगर वो इनके हिसाब से टूट जाती है तो उसकी जो कॉस्ट होगी वो एक्चुअल प्राइस से भी ज़्यादा होगी। और यूजुअली मिल जाए तो प्राइस ज़्यादा होगी, तो मेरे हिसाब से यही सही रहेगा आप लोगों के लिए फ़ोन अगर आप ये सोच रहे थे टैबलेट की तरफ जाने का। और रेंज अगर आपकी कम थी, एक फ़ोन चाहिए था नॉर्मल यूजिंग के लिए, तो फिर भी आप इस फ़ोन को मतलब ये जो है ख़रीद सकते हो इस फ़ोन को, समझ रहे हो। तो बस ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि इस फ़ोन के बारे में आप लोगों को बता सकूँ। पुराना फ़ोन है ये, ऑल्दो कोई नया फ़ोन नहीं है, लेकिन क्योंकि सिचुएशन ऐसी चल रही है कोविड की वजह से तो इस वजह से मैंने वीडियो बना लिया आप लोगों के लिए। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, इसी तरीके के भाई को सपोर्ट करते रहिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, आपको भाई वीडियोस बनाते रहेगा आप लोगों के लिए। दिस इज़ उस्मान, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।